मुगलों की संख्या देख दोनों ने एक चक्रव्यूह रचा जो काफी खतरनाक था। एक भी गलती और मराठा सेना धराशायी हो जाती, लेकिन मराठा कहां खतरों से डरने वाले थे। दोनों सेनापति इस चक्रव्यूह के लिए तैयार हो गए, बस उसमें मुगलों को फंसाना बाकी था। हमारे इस परम पवित्र भारत भू को वीरता के अनेक गाथाओं के साथ संजोया गया है। इसी पवित्र भारत भू पर महाराष्ट्र में स्थित है सालनेर। ये जगह बयां करती है मराठों के वीरता को, वह वीरता जिसे काफी कम लोग जानते हैं। इसी जगह मराठों ने अपने वीरता से मुगलों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। एक तरफ संपूर्ण भारत पर अपना एक छत्र साम्राज्य चलाने वाली मुगलों की बड़ी सेना, तो दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानकर स्वराज्य के सपनों को बुनने वाली मराठा सेना। इतने मजबूत सेना को अपने शौर्य से जवाब दे रहे थे सर सेनापति प्रतापराव गुजर। ये युद्ध है पराक्रम का, शौर्य का, बुद्धिमत्ता का, जिसमें मुगलों की बड़ी सेना को टक्कर देने मराठा हर हर महादेव के जयकारे के साथ निकल पड़े मुगलों को परास्त करने। यह है सालनेर का युद्ध, बैटल ऑफ सालनेर। यह युद्ध 1672 में मुगल साम्राज्य की शाही सेना और मराठा सेना के बीच नाशिक के पास के सालनेर किले के पास लड़ा गया। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व कर रहे थे दिलेर खान और बहादुर खान, तो मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर सेनापति प्रतापराव गुजर और पेशवा मोरोपंत पिंगड़े। यह युद्ध मराठों के स्वराज्य का दिशा बदलने वाला था। 1665 के पुरंदर के तह के बाद मराठों का सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतनी कड़ी मेहनत और हजारों वीर सैनिकों के वीर मरण के बाद कहीं स्वराज्य का निर्माण हुआ और मराठों ने कई किले जीते, लेकिन पुरंदर के तह के कारण उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण 23 किलों को मुगलों को देना पड़ा। यह मराठों के लिए बड़ा धक्का था। उसने अपने महत्वपूर्ण सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, कर्नाड़ा और मौली के साथ ही 23 किले गवाए, लेकिन मराठे हताश नहीं हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को पूरा करने में फिर से लग गए। पुरंदर के तह के समय संपूर्ण नाशिक का भाग मुगलों के अधीन ही था और सालनेर का ये किला भी लगभग 1636 से ही मुगलों के अधीन था। छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले के महत्व को जानते थे। व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से इसका महत्व और भी बड़ा था। 1670 से 1672 के बीच मराठा सेना अपने पराक्रम को चारों ओर फैला रही थी। मराठों ने मुगलों को दिए लगभग सभी किलों को जीत लिया था। इतना ही नहीं, अब वे मुगलों के अधीन किलों को एक एक कर जीत रही थी। मराठों ने बगलान, खानदेश के क्षेत्र के साथ ही सूरत पर भी चढ़ाई की थी, जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब बौखला उठा। सालनेर के महत्व को समझकर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर सेनापति प्रतापराव गुजर को अपने 15,000 के घुड़सवार सेना के साथ मुगलों के क्षेत्र में भेजा। प्रतापराव गुजर ने भी अपने छत्रपति के आज्ञा को मानकर मुगलों के एक एक किलो को जीतना प्रारंभ किया। उन्होंने मुगलों के अधीन औंधा, त्र्यंबकेश्वर, मुलेर और सालनेर को जीत लिया। जनवरी 1671 तक सभी जगहों पर अपना वर्चस्व निर्माण किया और मुगलों के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। इस मराठा आक्रमण को देख औरंगजेब भी चकरा गया और मराठों को रोकने के लिए अपने जनरल इखलास खान और बलाउल खान को बड़ी सेना के साथ सालनेर का किला जीतने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद औरंगजेब ये समझ गया कि सर सेनापति प्रतापराव गुजर और मराठों से लड़ना उसके दोनों सरदार इखलास खान और बलाउल खान के बस का काम नहीं है, और उसने अपने प्रमुख सेनापति दिलेर खान को मराठों से लड़ने के लिए भेजा। मुगलों की कुल 50,000 से ज़्यादा की सेना ने सालनेर के किले को
जो मराठों के अधीन था उसे चारों ओर से घेर लिया और उस पर अपने तोपों से हमला करना शुरू किया। मराठा सैनिक भी किले से इसका उत्तर दे रहे थे। नतीजन 6 महीने तक ये घेरा ऐसे ही चलता रहा। इसका उपाय निकालने के लिए दिलेर खान ने अपने अन्य टुकड़ी को पुणे भेजा। उसे लगा कि पुणे के तरफ उसकी सेना आते देख मराठा सालनेर को छोड़ देंगे। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख सरसेनापति प्रतापराव गुजर अपने सेना के साथ औरंगाबाद के आसपास की मुगल छावनी को उध्वस्त करने में व्यस्त थे और दूसरे प्रमुख सरदार मोरोपंत पिंगड़े कोकन में स्वराज्य को मजबूत करने में लगे हुए थे। अपने चाल को चलते हुए दिलेर खान की सेना पुणे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बुद्धि में कुछ नया चल रहा था। उनकी समय कुशलता तो प्रसिद्ध थी ही। प्रतापगढ़ के युद्ध और कोल्हापुर में आदिलशाही सेना को हराने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जान चुके थे कि अब वे मुगलों को आमने सामने की लड़ाई में भी जवाब दे सकते हैं। दिलेर खान को आगे बढ़ता देख उन्होंने उसे रोकने के लिए नई योजना बनाई। उन्होंने समय सूचकता दिखाते हुए अपने दोनों सेनापति अर्थात प्रतापराव गुजर और मोरोपंत पिंगड़े को यह आदेश दिया कि वे तुरंत सालनेर जाकर मुगल सेना को मार भगाए। अपने छत्रपति का आदेश पाकर दोनों सेना तुरंत सालनेर की ओर बढ़ चली। दोनों सेना वनी के पास मिली। दोनों सेना में 20,000 सैनिक थे जो अब 40,000 हो गए। दिलेर खान इतनी बड़ी सेना को आते देख पुणे से पीछे हट गया और सालनेर की ओर बढ़ चला। मराठा सेना नाशिक के पास के मुगल सेना के कैंप को पीछे छोड़ सालनेर की ओर बढ़ने लगी। मराठा सेना में कुल 20,000 सैनिक और 20,000 घुड़सवार थे। कुल मराठा सेना 40,000 की थी। वहीं मुगल सेना में 20,000 सैनिक, 25,000 घुड़सवार, 7,000 ऊंट, 125 तोपे, ऐसे कुल मिलाकर 50,000 से भी अधिक लगभग 52,000 की सेना थी। प्रतापराव और मोरोपंत जानते थे कि वे अगर मुगलों के ऊपर सीधे तौर पर हमला करते हैं तो मुगल सेना अपने तोपखाना, बंदूकों और संख्या की मदद से उन्हें हरा देंगी। अब दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थी। इधर प्रतापराव गुजर और मोरोपंत के बीच युद्ध के ऊपर चर्चा हो रही थी। मुगलों की संख्या देख दोनों ने एक चक्रव्यूह रचा जो काफी खतरनाक था। एक भी गलती और मराठा सेना धराशायी हो जाती, लेकिन मराठा कहां खतरों से डरने वाले थे। दोनों सेनापति इस चक्रव्यूह के लिए तैयार हो गए, बस उसमें मुगलों को फंसाना बाकी था। दोनों सेनापतियों ने अपने मराठा सेनाओं को आधे आधे हिस्से में बांटने का निर्णय लिया। इस व्यूहरचना को चलते हुए मराठा सेनापति प्रतापराव गुजर ने अपने सेनाओं को दो हिस्सों में बांट दिया। अब मराठा सेना 20,000 की हो गई। एक का नेतृत्व मोरोपंत कर रहे थे तो दूसरे का प्रतापराव गुजर। इसमें काफी खतरा था। इतनी छोटी दोनों सेनाओं को मुगल आसानी से हरा सकते थे। उसमें भी प्रतापराव गुजर ने एक नई चाल चली। उन्होंने अपने एक सरदार आनंदराव मकाजी को 15,000 की सेना के साथ पीछे हटने का आदेश दिया। अब प्रतापराव गुजर की नेतृत्व वाली सेना केवल 5,000 की रह गई। मुगल और मराठा दोनों सेना अब एक दूसरे से बामुश्किल कुछ दूरी पर थी और इतनी छोटी सेना को हराना मुगलों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मराठा अपनी संख्याओं के लिए नहीं बल्कि अपने हौसलों के लिए जाने जाते हैं। सर सेनापति प्रतापराव गुजर ने अपने सैनिकों को मुगलों के ऊपर हमला चढ़ाने का आदेश दिया। प्रतापराव गुजर अपने 5,000 घुड़सवारों के साथ सुबह सुभ मुगलों के ऊपर जा भिड़े। उनका यह हमला इतना तेज था कि मुगल इसको समझ ही नहीं पाए और कई मुगल सैनिक इसमें मारे गए। लगभग आधे घंटे तक मराठा मुगलों के शिविर में घुसकर उनको मारते रहे। अब धीरे धीरे मुगल सैनिक हथियारों के साथ तैयार होने लगे। इसको देख प्रतापराव गुजर ने मराठों को पीछे हटने का आदेश दिया। करीब 25,000 सैनिक मराठों का पीछा करने लगी, लेकिन प्रतापराव गुजर की 5,000 घुड़सवार सेना उनके कहां हाथ आने वाली थी।
मुगल की 25,000 की सेना उनका पीछा करते करते करीब 25 किलोमीटर दूर अपने मुख्य सेना से अलग हो गई और यही मराठों का व्यूह रचना था। आनंदराव मकाजी के नेतृत्व में जिस 15,000 सैनिकों को प्रतापराव गुर्जर ने पीछे हटने को कहा था, अब 25,000 की सेना उसके चक्रव्यूह में फंस गई। 25,000 की थकी हुई मुगल सैनिकों को 15,000 बिना थके हुए मराठा सैनिक एक एक कर मारने लगे। अब मराठा मुगलों के ऊपर पूरी तरह भारी पड़ गए थे। इधर मौके का फायदा उठाकर मोरो पंत ने भी मुगलों के ऊपर हमला चढ़ा दिया और दोनों सेनाओं के बीच युद्ध चलता रहा। मोरोपंत पिंगड़े के 20,000 की सेना ने 25,000 के मजबूत मुगल सैनिकों को घेर लिया। इधर प्रतापराव गुर्जर की नेतृत्व वाली मराठा सेना ने 2-3 घंटों में ही सभी मुगलों को या तो मार दिया या मुगल सैनिक खुद होकर भाग निकले। अब प्रतापराव गुर्जर अपने सैनिकों के साथ मुख्य सेना के तरफ बढ़े। मोरोपंत की नेतृत्व वाली मराठा सेना ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब प्रतापराव गुर्जर की मराठा सैनिक भी मुगलों के ऊपर सीधे तौर पर भिड़े। अब मुगल सैनिक पीछे हटने लगे, कुछ भाग निकले, बाकी बचे या तो मारे गए या तो बंदी बना लिए गए। इस तरह मराठा सेना ने अपने से बड़ी और मजबूत मुगल सेना को हरा दिया और सालनेर को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। तोफखाने से लैस मुगल सेना को मराठों की हल्की घुड़सवार सेना ने मात दे दी। शाही मुगल सेना पूरी तरह से हार गई और मराठों ने उन्हें करारी मात दी। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो मुगलों के लगभग 10,000 सैनिक मारे गए। साथ ही उन्होंने 6,000 घोड़े, 6,000 ऊंट, 125 हाथी और कई धन धान्य गवा दिए। मराठा सेना के व्यूह रचना के कारण मराठों ने अपने काफ़ी कम सैनिक खोए। साथ ही उन्होंने मुगलों के 6,000 घोड़े, 6,000 ऊंट, 125 हाथी और धन धान्य भी प्राप्त किए। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सामान, खजाना, सोना, जवाहरात, कपड़े और कालीन मराठों द्वारा जब्त कर लिए गए। सालनेर का युद्ध मराठों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। सर सेनापति प्रतापराव गुर्जर के नेतृत्व में उन्होंने मुगलों को पहली बार आमने सामने की लड़ाइयों में धूल चटाई।